ओम पंची विभूषित करान नमनी दावत पीतम बराधरो मखला दृष्टा गुणे सुंदर मुखाग्र में मित्रा की चात्रम कुने सोमनी आरे श्री भारत सायन ओम मक्ति बनाए नम त्रिविक्रमाय नम मात्र ओ जाते गंदा स्वाइन सोरपियामि नम गंदी आज रात में धर्म सोरपियामि नम तब जात गंदा चिपन सोरपियामि नम भाई श्री गंडम चंद्रम दिव्यम लाजम मनोरम प्रेमम तरतेष्टा चंद्रम प्रतीतम गंदा
पापियों को पाप से है पाप की सेवा।
सचंत यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः एकतनन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुल चम्पक पाटल पुण्या गजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसीदल मञ्जरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारायणचन्द्र पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर साङ्गाय सायुधाय सशक्तिकाय समानाय सपरकराय कुटुम्बाय श्री बालकृष्णाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः गुरुराधा भगवान् की राधा कृष्ण भगवान् की सरकार की जयंती महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की परकंदेश्वर महाराज की आज के आनंद की सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। व्यास जी के मुखारविंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत का धागा पान करेंगे। Sorry.
महाराज की, जय हो सुखदेव जी महाराज की, जय हो भागवत महापुराण की, जय हो धौरहट सरकार की, जय हो बैठाने वाली मैया की, जय हो आलोपी शंकर महाराज की, जय हो सभी भक्तजनों की, जय सभी माता बहनों की, जय सभी भाइयों की, जय सभी बाल गोपालों की। कैलाश नगरी में जो पर्वत पर विराजमान है, आलोपी शंकर महाराज के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में नमन, धौरहट सरकार के चरणों में नमन, माँ बैरहरे वाली जगदम्मा जगत जननी भवानी माँ के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं, क्योंकि सभी पर माँ की कृपा तो सबके ऊपर बरसती है। भोलेनाथ डमरू वाले अब डर कहनी है, जहाँ कथा होती है वहाँ सभी देवता आते हैं। यहाँ जो बैठे हुए माता बहने भाई सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए, उन सभी को जय श्री कृष्ण सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। यम विभजन्तं मनुपेयमपीत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुरराजोहवे पुत्रीत तन्मयतया तर्वु विनेदं वस्तु सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सबसे पहले द्वैपायन किसे कहते हैं? व्यास जी को, क्यों? व्यास जी का जन्म द्वीप में हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहते हैं। विरह कातुराज आवे, किसकी विरह में? पुत्रेत तन्मयतया, पुत्र की विरह में। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बोले हाँ, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही सुखदेव जी घर से चल दिए। एक ही बालक और वो घर से चला जाए तो पिता को तो दुख होगा। तो बोले बालक का जन्म कैसे हुआ? एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया अकेली बैठी, नारद जी ने उठाई वीणा, कहाँ के लिए चल दिए? कैलाश के लिए। नारद का काम क्या? और नारद किसे कहते हैं? नारम ददाति सना, नारद जो ज्ञान दे वही नारद। और नारद जिसकी बात रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। पहले तो एक ही नारद है, अब तो गांव गांव में घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में नारद है, झगड़ा करवा दे। अब नारदों की कोई कमी नहीं, पहले तो एक ही नारद। नारद जी ने उठाई वीणा, नारद जी कहां के लिए चलती है? कैलाश पर्वत को। कैसे गए? एक बार नारद जी ने उठाई वीणा और अरविंद गाते चल दिए। कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत। पार्वती मैया अकेली बैठी, नारद ने पार्वती के चरणों में नमन किया, माँ के चरणों में नारद का प्रणाम। पार्वती ने कहा, नारद कहां से? मैया चल आया, अरे फिर भी तो कहां से आ रहा है? तुम्हारे पास ही आया हूं। किस लिए? अब ये तुम्हें पता है क्या कि भोले बाबा की गली में मुंडों की माला है? किसके मुंडों की माला है? मुझे नहीं पता, तुम्हारी मुंडों की माला है। इतनी बार तुम्हारा मरण होता गया और तुम्हारे मुंडों की माला बना के अपने गले में डालती गई, उनका मरण एक भी बार नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले वो अमर कथा जानते आज तक तुम्हें सुनाइए कभी? बोले नहीं, तो आज तुम अमर कथा सुन लेना और मैं जा रहा हूं, आग लगा के चले जाए। भोले बाबा आए कैलाश में, जैसे ही आए पार्वती ने मुंह फेर लिया, जैसे कैकेयी ने महाराजा दशरथ को देख के मुंह फेर लिया था। भोले नाथ ने कहा, पार्वती बात क्या है, आज ऐसा क्या हो गया? पार्वती महाराज, मुझे आज पता चला है तुम मुझसे कपट रखते हो। कैसा कपट? अरे अमर कथा जानते हो, आज तक नहीं सुनाई तुमने मुझे।
तुम्हारी यहाँ आया कौन? बोले नारद जी आए, लगा के आरपोरा। अब इच्छा क्या है तुम्हारी? इच्छा ये है हमें अमर कथा सुनाओ। तो इसका भी एक गूढ़ कारण है, गूढ़ भाव है। क्या है? गोलोक धाम में भगवान के सुखदेव जी वहां गए, तो सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ। क्यों? क्योंकि परीक्षित को सर्प डसेगा और वो पांडु वंश का उजाला है। मैंने पांडवों को आशीर्वाद दिया था कि कोई विपत्ति आ गई तो रक्षा मैं करूंगा, जिनका रक्षक मैं, और उसके कुल में सर्प के डसने से सदगति न हो, जिसे मोक्ष न मिले, इसलिए तुम गोलोक धाम पृथ्वी लोक में जाओ, मृतलोक में जाओ और परीक्षित को कथा सुनाओ। इसलिए सुखदेव जी का जन्म हुआ। ठीक है, कथा सुनाएंगे। बोले नाथ ने कहा तो कि हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम हुंका दे भी तो कथा सुनाएंगे। आज के छोटे बच्चे कहते नहीं बाबा कथा सुना दे, तो बाबा क्या कहते? बेटा हुंका देना पड़ेगा, किस्सा में तो हुंका लगे तो किस्सा होगा। तो कहा सब जीव जंतु सब उड़ा दिए, पर निर्जीव तोते का अंडा एक खोपड़े में रखा रहा, उसमें जीव नहीं था। कथा चालू हुई, पार्वती हुंका देने लगे। देखिए नींद कहां आती है भगवान की कथा में, जरूर नींद आ गई। 3 घंटे कहीं टीवी में फिल्म चलेगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी, कहीं नौटंकी जलसा हो रहा होगा तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी, पर भगवान की कथा में नींद जरूर आती है। और वो क्यों आती है इसे भी समझो। नींद है कौन? यह कुंभकर्ण की पत्नी। जब कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई तो निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु मैं कहां जाऊं, पति देव तो खत्म हो गए। भगवान ने कहा निद्रा जहां मेरी कथा होती है वहां चली जाती है, कथा सुनने का भी मौका मिलेगा, मौका लग जाए तो पलकों को बंद कर देना। इसलिए निद्रा देवी कथा में जरूर रहती है। भूखा देने लगी, नींद आ गई। इधर में जिस अंडे में जीव नहीं था उसमें जीव पड़ गया और उसमें से हूं हूं की आवाज आने लगी। पार्वती सो गई। पार्वती बोली क्या कहा स्वामी? जो कथा सुन रहा होगा बैठा होगा बोल ये नहीं कहेगा क्या कहा, ध्यान नहीं होगा तो कहेंगे कहा है वो कथा कहां चलेगी, तब कहेंगे ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा। भोलेनाथ बोली तो इसका मतलब तुम सो गई, कथा किसने सुन ली? भोलेनाथ का नाम क्या है? भोले भाले। भोले इतनी है कि जालंधर को भस्म होने का वरदान दे दिया, भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दे दिया, जालंधर को त्रिशूल दे दिया, रावण को पार्वती दे दी। ये कथा आगे आएगी। ऐसे वडलदानी भी ऐसे। एक भक्त जो गया था मंदिर में, मंदिर की शिव जी की पिंडी पर चढ़ गया घंटा सोने का उतारने के लिए, प्रकट ही गए बोले वरदान मांग ले। ऐसा कोई होगा सिर पर चढ़ जाओ वो वरदान दे दे? शिवाय भोलेनाथ के ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं। इधर में अब उस अंडे में से जीव निकला, तोता निकला, तोता भगा आगे, तोता पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर, मेरी कथा सुन ली तूने दुष्ट, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे तोता पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेके मारने के लिए। व्यास रानी पट्टिका छज्जे पर बैठी, जमाई आई और जमाई के साथ में उधर में चले गए, पेट में चले गए, पेट में गए। भोलेनाथ गए, व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर है, निकालो। अब व्यास जी का शुभ तो ही नहीं, चोर जा तो हो देखो हो तो कहे कि चोर है। जैसे जब लक्ष्मण जी गए पुष्प लेने, राम जी ने क्या कहा जानकी से कि जब तक कर हो अग्नि में भाषा, जब तक कर हो अग्नि में भाषा।
राम जी ने जानकी जी से कहा, पुष्प लेने गए, जानकी तुम अग्नि में निवास करो, मैं निशाचरों का वध करूंगा। वही मर्म यहाँ ब्याज जी नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे घर में कौन चोर है। बोले नाथ का ब्याज जी निकालो, नहीं युद्ध करो। ब्याज जी बोले, बोले ना तुम्हारी बराबरी में कैसे कर सकता, तुमसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तीन मंत्री है। भोलेनाथ कौन से मंत्री हैं? संहार मंत्री, विष्णु भगवान रक्षा मंत्री, और ब्रह्मा जी सृष्टि मंत्री, सृष्टि करता। बोले ठीक है, नहीं युद्ध करते हो, नहीं निकालते हो चोर को, मैं दरवाजे पे बैठा हूं। धोनी लगा ली दरवाजे पे, तो लेके बैठ गए। फिर भोलेनाथ को याद आया कि जिसने अमर कथा सुन ली है उसे माफ नहीं सकता। हो सकता है कभी कभी कोई मारी नहीं सकता। हनुमान जी को कोई मार सकता है? कोई नहीं। क्यों? जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया लंका। कब? जब भूख लगी, फलों को खाने की इच्छा हुई, तो हनुमान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें अतिशय भूखा और लाभ दी कि सुंदर फल रूखा। फलों को देखो भूख लगी है। जानकी जी ने क्या कहा? सुन सुध करनी विखंड रखवारी और सुबट महारज नीचर। बड़ी बड़ी योद्धा रखवाली करते और तू छोटा सा है। हनुमान जी ने क्या कहा? मां मैं छोटा नहीं हूं, देख मैं कितना बड़ा हूं, विशाल रूप बना लिया। क्यों? हनुमान जी पर आठ सिद्धि थी, अष्ट सिद्धि नव निधि के आठ सिद्धियां थी। लघुमा सिद्धि से छोटे बन जाते और अड़मा सिद्धि से बड़े बन जाते। हनुमान जी बड़े बन गए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बड़े बने, जानकी जी ने आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो सदा रघुनायक छो। अमरता का वरदान दिया। अब जिसको अमरता का वरदान मिल गया उसे कोई मार सकता है? कोई। ऐसे ही हम भोलेनाथ समझ गए कि ये अमर हो गया, इसने अमर कथा सुन ली है। जो चोर है उसने, इससे भला इसी में लौट चलो, कैलाश को चलो। मंदोदरी ने कहा है रावण से कि नाथ बैर की दीयता ही सो और भुजबल सकी जीत जाही सो। युद्ध जिससे करे जिसे भुजाओ के बल से जीत ली। लौट गए, नहीं परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऊपर ही रहोगी तुम। ये भगवत कृपा होती है। कैलाश के पर्वत पर लौट के आगे इधर में, अब व्यास रानी के उधर में सुखदेव जी बालक। 10 वर्ष हो गए बालक का जन्म नहीं हुआ, 12 वर्ष हो गए जन्म नहीं हुआ। अब 12 वर्ष हो जाए बच्चा नहीं निकले तो घोड़ा जाएंगी माता बहन। 9 महीना 10 महीना और 11 महीने आएगा तो ये तो संकट में पड़ जाएंगे। हे भगवान जी जन्म महीना ले रहो। कहा माँ ने कहा, पिता ने कहा, बालक जन्म तो ले ले, मैं ऐसे जन्म नहीं लूंगा। क्यों? मुझे भाइयों भगवान की माया सता गई। भगवान आके कह देंगे कि तू जन्म ले ले, तेरी माया मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, तो मैं जन्म ले लूंगा। भगवान स्वयं आए और गर्भ में जो बच्चा था सुखदेव जी से कहा, बालक जन्म ले, मेरी माया तुझे व्याप्त नहीं होगी। तब 16वें वर्ष में जन्म लिया। अब 16 वर्ष का बालक वो तो दौड़ी देखे दौड़ेगा, निकल के चल दिए जन्म लेती घर से बाहर। अब ब्याज जी पीछे, अरे पुत्रेत तन्मया तर्वोभेदम, अरे पुत्र कहाँ जाना है मुझे छोड़ के? वापस नहीं, मैंने कर दिया, तो मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। आगे चले जा रहे थे, देवांगना स्नान कर रही थी, नगन स्नान कर रही थी, ब्याज जी को देखे,
सुखदेव जी को देख के वस्त्र नहीं पहने, व्यास जी को देख के वस्त्र पहन लिए। व्यास ने कहा ये क्या, मेरा नवयौवन बालक, युवा अवस्था का बालक निकला और उसे देख के वस्त्र नहीं पहने और हम मुझे देख के वस्त्र पहन लिए। बोले तुम ये जानते हो कौन स्त्री है कौन पुरुष है, और सुखदेव ये नहीं जानते कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इसलिए पुत्र के वियोग में पुकारते हैं, पुत्र कहा जा रहे हो पर वापस नहीं, क्योंकि माया के बंधन में नहीं बंधना चाहते। नेम से सूत मासी ने मविद्यायम महादिम कथामृतम रसस्वादे कुशलम शोनक प्रवीतो। अब चलते हैं नेम शरण की ओर, जहां नेम शरण क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और कथावाचक कौन है सूची। तो निवेदन करते हैं हमें कथा सुनाओ। क्यों, आप कथा सुनाने में चतुर हैं कुशल, और कैसी वो भी कथा कैसी हो। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर शम प्रमे सूताख्याय कथा सारम मम कर्णम रसायनम। कथा कैसी है, अज्ञान हृदय में अज्ञान भरा उसे हटा दे ऐसी कथा हो। कोट सूर्यम सम प्रभ करोड़ों सूर्य के समान जिस कथा का प्रकाश हो। मम कर्णम रसायनम, रसायन कहती है दवाई, हमारे कानों में दवाई का काम करे। दवाई का काम रामायण में भी लिखा है, शरीर में किसी को यदि गहरी बीमारी हो इस चौपाई के रोजाना एक माला करे शरीर में बीमारी नहीं रहेगी। कौन सी पहली बार दी है रामायण में कि अम्यमूरिमय चूरन चारों और समनो सकल भव रुज परिपारु। ये चौपाई के रामायण में सबसे पहले, इसका यदि एक माला रोजाना करेंगे शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी। पहले क्या था ऋषि मुनियों में, यही तो थे, पहले इंजेक्शन नहीं थी, बोतलें नहीं थी, गोली कैप्सूल दवाई नहीं थी, जड़ी रूखड़ी खाते थे, भजन करते थे, चौपाइयों का जप करते थे, बीमारी बिल्कुल आती नहीं थी। और वो भी कथा, भक्ति ज्ञान विराग विवेकी वर्धते कथम माया मोह निराशस्ते वैष्णवे क्रियते कथम। और कथा भक्ति ज्ञान विराग को बढ़ाने वाली हो, मोह माया से दूर करने वाली हो। क्यों, यही भोरे कलौ प्राप्ति जीवस्य आसुरताम गतः केशा क्लान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणे। अब क्या है, घोर कलयुग है। कैसे कलयुग है, कलयुग दिख रहा है, घर में पुत्र पिता की सेवा नहीं कर रहा है, माँ की सेवा नहीं कर रहा है, बहू सास की सेवा नहीं कर रही है, घर घर में कलह हो रहा है। क्यों, बताया है कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत निधान। वो घर स्वर्ग है, इस घर में पुत्र पिता का आज्ञाकारी है। वो घर स्वर्ग है जिसमें बहू सास की आज्ञाकारी हो। पहले के जमाने में बहू घबराती, हे भगवान सास जाने कैसी मिलेगी। वो अब के जमाने में सास घबराते, हे भगवान जाने कैसी आवेगी, रोटी देवगी को ना देगी। आज का युग ये है, वही हो रहा है आज का युग। एक एक चार चार बालक है फिर भी पिताजी दुखी है। कई तीर्थ जाते हैं हर बार, रामेश्वर बद्रीनाथ तीर्थ कहां है, घर में ही तीर्थ है। ये तुम बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हो, तीर्थों को जा रहे हो तो क्या होगा उस तीर्थ से। तीर्थ तो घर में है, माता तीर्थम पिता तीर्थम, तीर्थम ज्येष्ठ बांधवा, घर में माता पिता तीर्थ है, इनकी तो सेवा नहीं कर रहे हो, वहां जाके जो जा रहे हो तीर्थ, तो तीर्थों को जाना बेकार। चलो कथा की ओर चलते हैं। श्रीसाम भविक्षीयम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्त करम शस्त्र साधनम तदाहुनाम। हमेशा पावन से भी पावन कथा हमें श्रवण करना। कलयुग में एक विशेषता है, क्या, कलयुग में झूठ की विजय जल्दी हो जाए, सत्य वाले को धक्के लगते हैं,
एक माँ थी, वृद्ध माँ, 90-100 साल की। मैंने सोची कि उस सेठ पे तो रुपया लिया, सेठ के गई, सेठ जी मुझे 100 रुपया दे दो, हो जाएंगे तो मैं ब्याज के दे जाऊंगी। वो भाई एक जो मोती है, क्या गर्मी धन। माँ ने मोती सेठ को दे दे, जब मोती ले लो 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दी से मोती रख लिया। जब है गई तो दे भी गई, सेठ मेरी मोती है मुझे दे, और जी 100 रुपया मैं ब्याज के ले ले भैया। सेठ बोलो, सेठ क्या गई पापा आई, सेठ ने कही देख तू मोती कहां धर गई, तू धरी ना गई क्यों? अरे कहूं साधारण औरतों पे ऐसी दुकानियों पे मोती देते हैं, मोती तो संगपति और पतियों के यहाँ होते हैं, तू झूठ बोलते जाए यहाँ से, वही मोती नहीं रखी तू। अब बेचारी रो के चल, क्या करे। रास्ते में गई, कलयुग खड़ा था रास्ते में, कलयुग खड़ा, कलयुग ने कई आदमी को भेष बना के ठाड़, कलयुग ने की मैया कैसी रो रही है, कहा करो मैया मोती धरियाई सेठ पे सुते ना रहे हो। कहा कैसे धरियाई, 100 रुपया कहा कही मैं ना दे रही, तू धरी ना गई। कलयुग बोलो मैया तू मोई लेके चल, वो तेरो मोती हवाल में, वो कैसे मिले, वो कैसे कहूं, मैं कहूं तैसे कही दिया। बोले हो क्या तू यो कही, मैं एक ना धर गई दो धर गई, भैया तो दे दे, ना दे रहे हो तो तेरे नाम की थाने में रिपोर्ट करते हो, और कुआ में जाके कूदी जा दो, तेरे नाम के खत्म भाई, बस बस हट गई मिटे। दुकरिया माँ लौट के पहुंची, कई सेठ में भूल गई, भैया मैं एक ना धर गई दो धर गई, देख दे दे चुपचाप के, तो कहे ना दे रहे हो तो थाने में रिपोर्ट करते हो, और जाके कुआ में कूदी जा दो, तेरे नाम से मरे जाते हो, खत्म भैया। तुम सेठ बोले चिल्लाए मैं चुपचाप, एक धर गई तह ले जाए, झूठ की विजय कलयुग में जरूर होती है। अब कलयुग में एक और विशेषता है, त्रेता में द्वापर में हवन करते, यज्ञ करते, भजन करते, तप करते, और कलयुग में कलयुग की बल नाम अधारा, कलयुग की बल नाम भगवान के नाम लेने से, ये जरूरी नहीं है कि हमने स्नान नहीं किए तो नाम नहीं लेंगे। अरे भगवान स्नान के भी नाम ले सकते हो, वृंदावन में देखो गोपियां ये थोड़ी के स्नान करके और माला लेके भजन करती हो, उनके अंदर प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति। गोपी जा रही है वृंदावन में देखोगे तो राधे राधे होती है, तो प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम से कहीं भी ले लो, बगैर स्नान किए ले लो, बगैर माला के, हाथ में माला है, माला लगे सूत पे, वो मन को मन मन कहीं घूम रहा है, माला हाथ में पकड़ रही है, अरे ये से होगा क्या। सबसे बड़ा मन है, मन को भगवान के चरणों में लगा दो तो मैं तुरंत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सूत जी बोले प्रीत सोने के चित्ते थे, ये तो वच विचार सम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारे भय नाशनम। सूची बोले ये सोने का ऋषि हो, कथा सुनने वाले सब थे, पूछने वाले एक थे, सोने का ऋषि सबको एक मुखिया बनाया। हम कथा कहते सुनो, काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय समेत में श्रीमद भागवत शास्त्रम कलौती रेणु भाषित। काल प्याल के मुख से बचाने वाली है तो कौन, श्रीमद भागवत। ये भागवत क्या देख रहे हैं, पुस्तक है, क्या कहेंगे पुस्तक है, पर ये साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। और वो कैसे है इसे भी समझो। एक बार जब भगवान परम धाम जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप तो जा रहे हो, हम संसार वासियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। भगवान ने कहा उद्धव मैं अपना रूप भागवत की पुस्तक में छोड़ के जा रहा हूं, ये भागवत की पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है, ये साक्षात कृष्ण है।
तो जिस पर कृपा होती है उसी को कृष्ण के दर्शन होते हैं। भागवत चार अक्षर है, भा ग व त, इसका अर्थ क्या है? भाग्य कहे से भाग्य उदय हो तो जीवन के, और कके कहे से गुमान गिर जावे गो, बके कहे से पानी हूँ पवित्र हो, और तके कहे से भवसागर तरी जावे गो। ये भागो भाग्य उदय हो जाती है तब भागो संगत धन है इसकी कृपा, ये कल्प वृक्ष है, मन में जो विचार करोगे वही मिलेगा। परिश्री कथासु में वक्तम समाय संस्तुते सुधा कुम्भम गृहीत्येव देवास्तत्र समागमन। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने को तैयार किया, देवराज इंद्र अमृत कलश लेके आ गया। क्या कहा? सुखदेव जी परीक्षित को तो ये अमृत मिला दो, वो हमें कथा रूपी अमृत मिला दो। सुखदेव जी ने मना कर दिया। कैसे कहा? काच कहा मणि महान, कहा तो काच और कहा मणि, ये श्रीमद भागवत की कथा तो मणि है, ये तुम्हारा अमृत तो काच है। अवक्तम नहीं वदातव्यम, ये भक्त नहीं है, कथा के बात तो नहीं है, मने कर दिया इंद्र से, जाओ यहां से, वस्तु विनिमय नहीं होगा। उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इसकी इतनी महानता, तराजू बांधी तौल के तो देखे, एक तरफ सभी शास्त्रों का फल, एक पलड़े में भागवत का फल रख दिया। पलड़ा किसका भारी हुआ? भागवत। सभी शास्त्र भागवत के आगे हल्के पड़ गए। ऐसी है श्रीमद भागवत की कथा। सत्ता श्रवणी सर्वधाम मुक्तिदायकम सनकादे प्राप्ते नारदाय दया परे। सप्ताह श्रवण से भागवत की कथा सात दिन सुनेंगे मुक्ति हो जाएगी। सोनक जी कहने लगे, बोले एक बार नारद जी ने भी ऐसा योग बना, कब बना? नारद जी तो लड़ाने में रहते हैं। लोक विग्रह युक्तस्यम नारद स्थिरस्य च कुतम प्रीति सयोगम कुत्र तेसः। ऐसा योग कैसे बना? अर्थते कीर्तयिष्यामि भक्ति पुष्टिम कथानकम सुकीन मम प्रोक्तम प्रशिष्यम विचार्य च। वही परम कथा सुनाते हैं। एक समय एकलात विशालायाम चत्वारैर सयोमनाम सत्संगात समायात तदस्तम तत्र नारदम। एक समय चत्वार चार बालकों से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहाँ जा रहे थे? घूमने। कैसे? चारों ने नारद जी को देखा, तो देखा नारद जी कहां जा रहे हो? त्वरते गम्यते पुत्रम पुत्रस्यागमनम तवह, जल्दी जल्दी कहां के लिए जा रहे हो? नारद जी बोले, सुनो हम तुम पृथ्वी आतो
ज्ञात्यं सर्वो मति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, काशी में गया, गोदावरी सब जगह मैंने घूमा। हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र शीलयुषेतु वंदनम इवमादिश तीर्थेषु भ्रमणत्वं ततस्ततः। सब तीर्थों का मैंने भ्रमण किया। जैसे सत्यनारायण की कथा में आता है, नारद जी कहते हैं मैं घूमने गया अमृतलोक में। भगवान के नारद जी गए थे एक बार। कब? नारद जी कहते हैं मैं घूमने गया ततो गदाम जना सर्वम नाना क्लेशम समन्वित। मैंने सब मनुष्य को दुखी देखा तो केन उपाय से शाम दुख नाशे भवितरोम। किस उपाय से दुख दूर होगा? नारद जी के मन में यही रहती किसी का कष्ट कैसे दूर हो, उसी के लिए यहाँ घूम रहे हैं नारद। क्या बोले नारद? मैं सब जगह घूमने गया तो सत्यम नास्ते तपम सोचे दया दानम न विद्यते। मैंने कहीं भी सत्य को नहीं देखा, न कान कहीं दान देखा, न कहीं दया की भावना मैंने देखी। क्या देखा? उदरम मिरणो जीवा परा काम कूट भाषण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यान सुभद्र था। मैंने ये देखा संसार में कि अपने पेट भरने में लगे हैं, बस सर्विस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, अपन खा रहे हैं, परिवार वालों को खिला रहे हैं, पेट भरने में लगे हैं। धर्म पुण्य दया ये कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। ये तू खूब आयो, अब मैं सब बात बन जाएगी। तो भैया से भाई, भाई से भाई में झगड़ा हो रहा, ससुराल वालों के घर में चल रही, फिर भी सब जगह पाखंड देखा। कन्यायाम विक्रियो, कन्या की घड़ी खाऊ, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कलयुग में ऐसा हो रहा है। नारद जी ने यही बताया, हे मुनीश्वरों ये मैंने देखा सब जगह। न योगी न सिद्धो, न मुझे कहीं योगी मिला न सिद्ध मिला, पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? तस्याश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरं एकदा तु प्रणीतः। उसे अवला ने मुझे देख के रोका, उसने मुझसे कहा कि साधु रुको, क्योंकि संत के दर्शन हो जाए तो पाप दूर हो जाते हैं। संत दर्शन विपाक कर्नाटकम गते चंद महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्ण काम गत। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, और गुजरात में आई, गुजरात में आती ही वृद्ध हो गई। क्यों? गुजरात में पहली भक्ति नहीं थी, कवाई गुजरात में भक्ति जब नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी कहां गुजरात में, तब भक्ति आई। और मैं वृंदावन में आई तो जवान हो गई। ये काम यमुना के किनारे देखा किसने? नारद जी ने। अब ये कारण क्या है कि माँ तो हो जवान तो अवश्य सचेत हो जाएंगे। वहां कथा सुवर भी शरक सनंदन नारद जी को कथा सुनाने लगे। नारद जी श्रोतावन के बैठे हैं, कथा हुई और वो आवाज वृंदावन में तुम्हारा साक्षात निवास है, पर ज्ञान वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है। कानों में आवाज पहुंच गई ज्ञान वैराग्य के, खड़े हो गए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण।
उनका काम भिक्षावृत्ति सकाल संध्या करने वाली ब्राह्मण थी। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी थी करकसा, लड़ने वाली, झगड़ने वाली। परेशान रहते थे बेचारे। इनके संतान नहीं थी, घर में पुत्र न हो तो घर सुना है। आपने भी पूजा पाठ भजन पूजन खूब की। माता बहने पुत्र नहीं होता है, घाट घाट में इनकी पूजा करती है, मैया को मनाती है। शानी भोपन घर बुला लेंगे बाबा कछु ऐसो करते हमारे संतान है। मैंने क्या क्या बोलगत बोल देती है, हमारे लाला है जागो तो पे कथा करवा देंगे, माता मैया लाला है जागो तो पे कन्या जमा जाएंगे। मैंने कितनी बोलगत बोल देती है। आत्मदेव को संतान नहीं थी। आत्मदेव मध्यान्ह के समय दोपहर 12 बजे वन में गए। वहां एक तालाब भरा हुआ था जिसमें जल भरा हुआ तालाब में स्नान किया। तालाब के किनारे खड़े हुए एक महात्मा आ गए। महात्मा को देखे आत्मदेव ने नमन किया। महाराज बड़ी कृपा करी, क्यों संत दर्श जिम पातक रही। संत के दर्शन हो जाए सभी पाप भस्म हो जाते, करंट होता है संतों की निगाह में। और आत्मदेव महात्मा जी को देखकर रोने लगे। महात्मा जी दयालु होते। महात्मा जी ने कहा ये बात क्या, क्यों रो रहे महाराज, मेरे संतान ना है इसलिए रो रहा हूं, देखता हूं। महात्मा ने नेत्र बंद किए। महात्मा बोले भैया ते तो 7 जन्म नो संतान ना है। आत्मदेव बोले मैं तो 1 जन्म को ही रो रहा हूं, तुमने 7 जन्म करवाए थे। यदि संतान नहीं होगी मैं तुम्हारे सामने ही खत्म हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा इस जीवन का, अभी मरता हूं। महात्मा बोले जी बड़ो धर्म संकट है, मेरे सामने मरेगा तो कलंक मुंह लगेगा, रो मत, घबरा मत, मरो मत, मैं ये फल दे रहा हूं, फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, बालक हो जाएगा। आत्मदेव उस फल को लेके आए और कहा धुंधली ये फल खा लो, तुम्हारे बालक ही जाओ। हाँ खा लूंगी, दे दो, तुम जाओ, मैं तो खा ले। फल ले लिए। अब धुंधली मन में विचार करती है फल खाऊंगी उधर बढ़ेगा, कहीं घर में अग्नि लगी तो भजना भी मुश्किल हो जाएगा, उठा बैठा भी नहीं जाएगा, चाहे खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या हालत होगी। धर्म सने हो भाई मत गेरी, ओ भाई गते साफ चचूंदर खेरी। अब सांस चलने सा किस्सा हो गया, क्या करो। तब तक धुंधली की बहन आ गई। बहन ने कहा क्या बात है, क्यों घबरा रही, क्या बात, अरे ये पति देव फल उड़ाए जाए, खाऊं कि नहीं खाऊं, वो मुझे तो बड़ा कष्ट है, फल खाऊंगी उधर बढ़ेगा, भज भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। वो आजकल नरेंद्र भान जी ऐसी है गई है कि माले सूत के ले जाएंगी, मैं बैठी रही तो स्वभाव करते कैसे, मैं तो यह फल ना खाई। एक काम करो तू जा फले गैया दे दे, फल को गऊ को खिला दे, और मेरे 9 महीना पीछे बालक हो गो सो मैं तो दे दूंगी, मेरे पति देवे तुम कुछ पैसे दिलवा देना। और पलंग पे ऐसे सो जाना मानो बच्चे की भय, मैं अपने बालक तुम्हें दे जाऊंगा। दो बहन ने मंत्रणा कर लिया, तभी तो कहा है कि अवगुण आठ सदा उर रहे। माता बहने कब क्या कर बैठे किसी को कुछ नहीं पता, कब दिमाग में क्या जम जाए। हुआ वही, वो फल लेके गऊ को खिला दिए, फल गऊ को खिलाया, 9 महीना पूरा भयो, धुंधली की बहन के बालक भयो, बालक है धुंधली को दे दिया। लगे ले बहन बालक है, चुपचाप तू पलंग पे ऐसे सोया मन तो नहीं, पलंग पे सो गई बच्चे को लेके।
आत्मदेव के लिए सूचना कर दी, जल्दी आओ मेरे बालक कह रहे हो। बालक कह रहे हो? बोले हाँ। आत्मदेव बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा पता कुछ कालो टंग कर दी, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी बात। समय आयो तीन महीने बाद, तीन महीने बाद गौ के बालक कह रहे हो। अब तो बड़ी प्रसन्न था, खा तो किसी के बालक ही नहीं होता, तब गौ क्यों बालक है वो? बाकी कान तो गौ जैसे पर मनुष्य का शरीर है। तो पंडित जी बुलवा ले नाम धर्मे को, जैसे हमारे शुक्ला जी पंडित जी हैं। पंडित जी कथा कहने को जाते ही रहते, भाई बोले जी पंडित जी नहीं बुलवा लू पकड़ लेंगे, तोमर साहब सोचे कि पकड़ लेंगे हमारे शुक्ला जी, नहीं बुला लो। पंडित जी बुलवाए, पंडित जी हमारे लाला भैया जिनको नाम करते हो। बोले हाँ, हमारो काम नाम कर, नाम धर्मे को। देखो भैया ये गौ के मालिक भाई हो, आपको नाम तो गौ करना। तो ना धुंधली बोली, पंडित जी अब चुप रह जाओ, काहे अब मैं अपने लाला को नाम मैं धरूंगी, मेरो नाम धुंधली तो मेरे नाना को नाम धुंधकाली। पंडित जी चुप रहे, नाम करना हो गए। तो कहती यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम गण होंगे वही तो गुण होंगे। कहते सपूत के पाए पालने में दिख जाते, धुंधकाली बड़ा हुआ, घुटनवन चलने लगे तो घुटनवन चले तब ही छोटे बच्चों के पाए खींच के फेंक दे, पैर खींच ले, किसी की आंख में धूल दे दे। और गौकर्ण बड़े हुए तो भगवान के भक्त, गौकर्ण जवान हुए, धुंधकाली जवान हुआ तो किसी को कुएं में धकेल देता, रोजाना शिकायत आवे। आत्मदेव परेशान, आत्मदेव की शिकायत आती, आत्मदेव ने विचार किया, वैसा बताया है वेद में क्या, अजात मृत मूर्खेशो मृता जातो सतोवरम यतस्तो स्वल्प दुखाय यावत जीवन जड़ो दहे। मूर्ख पुत्र से तो मर जाना अच्छा है, को मूर्ख तो जिंदा रहेगा तब तक दुख देगा जीवन भर। धुंधकाली बड़ा हुआ, धुंधकाली ने मां से कहा, मैया ये बताओ धन कहाँ है तुम्हारा, कितने पैसे कहाँ रखे? वृंदावन में हरि राम की जय। बोले धन कहाँ रखा है? मैया ने नहीं बतायो, मैया को लेके कुएं में धकेल दिया, खत्म कर दिया। और अपन ने ढूंढ के पूरो धन ले लियो। तो इधर में आत्म गौ कर्ण ने विचार किया, इसने माँ को मार दिया तो मुझे भी मारेगा, पिता ने सोची मुझे भी मारेगा। आत्मदेव पिता तो चले गए वन में तपस्या करने, गौ कर्ण चली गई तीर्थों को पर छोड़ के चले गए। और ये धुंधकाली वेश्याओं को घर में ले आया, एक एक नहीं पांच पांच वेश्याओं को पकड़ के घर में ले आया। वेश्यावृत्ति लूटपाट करके धन कमाता, वेश्याओं को प्रसन्न रखता। अब लूटपाट करना, अहिंसा करना, मारना, परेशान करना, ये तो सबसे बड़ा कष्ट है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधम, दूसरे का हित करो, कष्ट मत दो किसी को। इधर में एक दिन वेश्याओं ने विचार किया, यदि कहीं नगर के राजा को पता चल गया तो धुंधकाली को तो फांसी पर चढ़ा देगा, हमें जेल में बंद कर देगा। इससे कम नहीं करो, जिसे धुंधकाली को ही नहीं मार दो। पांचों वेश्याओं ने मिलकर फांसी लगाई सोते हुए धुंधकाली के गले में, और जलते हुए अंगारे मुख में भर दिए, वो खत्म कर दिया। वैश्या नगर छोड़ के चली गई। अब धुंधकाली बन गया महान प्रेत, जिसके पिंडदान नहीं होते हैं, जिसका गया श्राद्ध नहीं होता है, जिसकी अस्थियां हड्डियां सोरों में हड़गंगा में नहीं जाती है, वो प्रेत बनता है। इसका कुछ भी नहीं हुआ था, कोई था नहीं करने वाला। गौकर्ण महाराज तीर्थों में थे, उन्होंने विचार किया चलो घर को चले, क्यों अपने घर की याद सबको आती है कहीं भी रहो, क्योंकि जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी,
जननी जो माँ जन्म देती है और जहाँ जिस गांव में जन्म होता है वो स्वर्ग से भी बड़ी याद आती है। चलो एक बार तो घूम आवे। गौकर्ण महाराज आए, रात्रि को शयन कर रहे थे। ये धुंधकाली कहूं तो फैसा बन जाए, कहूं मेढ़ा बन जावे, कहूं रोवे, कहूं हंसे रात को। गौकर्ण का जी है कौन, कौन है तुम? अंजलि में जल लिया, जैसे ही छिड़काव किया तो कौन सामने आ गया। धुंधकाली सामने आ गया, बोले भैया गौकर्ण में तेरा भाई धुंधकाली, तेरी ये दशा कैसे हुई? मैंने ऐसा ऐसा किया, वैश्याओं को रखा, उन्होंने जब अंगारे बनी, मेरे मुख में बने, मेरी सदगति नहीं हुई है, मैं प्रेत बन गया हूँ। प्रेत बन गए हो? बोले हाँ। अब मेरी मुक्ति का उपाय करो, कुछ भी करो। सवेरा हुआ, सवेरे होते ही गौकर्ण महाराज निकले नगर से, जो भी संत मिल जाए भाती पूछे, भैया मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, प्रेत योनि कैसे छूटेगी? कोई नहीं बता पा रहा। सूर्य भगवान का रथ जा रहा था, सूर्य भगवान का जब रथ जा रहा, उसी रथ को गौकर्ण ने रोक दिया। बोलो तत्सर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। क्या विपत्ति सामने आ गई? बोले हाँ, मेरे भाई की प्रेत आत्मा कैसे छूटेगी, प्रेत बन गया है मेरा भाई। सूर्य भगवान ने कहा, गौकर्ण तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो और तुम्हारे भाई की प्रेत आत्मा छूट जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। गौकर्ण ने वही किया, घर में गए, सिंहासन सुंदर जो है आसन बनवाया। भागवत की कथा शुभारंभ के नियम होता है, बोलो बदला दो चार घरों में कहीं भी सूचना बुझ गई, हमारे कथा बैठ गई, हमारी कथा सुनने आना, ऐसा विधान है। बोलोगे दिब्बा दिया भैया हमारे कथा हो रही है ना, सब नगरवासी ऋषि मुनि सब आ गए। गौकर्ण महाराज कथा सुनाने को, धुंधकाली आया, प्रेत तो था ही, सात कोर का बांस मिल गया, बांस में आके भीतर बैठ गए, मनुष्य शरीर तो था नहीं, हवा के स्वरूप में था, आके बांस में भीतर बैठ गए। बांस में कितनी गांठ होती है? सात गांठ। ये सात गांठ क्या है? पुत्र की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, घर की आसक्ति, गांव की आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, देश की आसक्ति, संसार की आसक्ति। मन में ये रहते हैं, जन्म भयो तो जन्म के समय किससे प्रेम होता है? मां से। विवाह हो गया, किससे हो गया? पत्नी से हो गया।
फिर बच्चे हो गए, बच्चों से प्रेम हो गया। किससे प्रेम हुआ? द्रव्य से हुआ, धन कमा रहे हैं, बच्चों के लिए धन कमा रहे हैं। गांव वाले ऐसा काम करो तो गांव की मोई ये बुलावे, मेरे मेरे मोहल्ले में मेरा नाम है जाए, घर में मेरा नाम है जाए। ये सात गांठ लगी हुई है, धुंधकाली बैठा है सात पोर के बांसों में। पहले दिन कथा हुई, बांस की एक पोर फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, बांस की दो पोर फट गई। तीसरे दिन कथा हुई, तीसरी पोर फट गई। सात दिन हुए, बांस की सातों पोर फट गई। विमान आया और धुंधकाली विमान में बैठ के बैकुंठ को जाने लगा। अब नैमिषारण्य वासी बोले, सूची महाराज कथा तो सवन ने सुनी, पर विमान अकेले धुंधकाली में क्यों आयो, सवन को क्यों नहीं आयो? इसका कारण होता है, धुंधकाली ने कथा सुनी और मनन भी किया। देखो कथा में आओ तो कथा प्रेम से सुनो, क्या कह रहे हैं आप विचार करो, अमल करो, मन में लाओ, हृदय में उतारो। वो ये नहीं कथा में उठ के गए नहीं झाड़ के चले गए, पल्ले झाड़ कथा कहते जाते, कहते मुकते चलो ये कथा हरी कथा सुनने में चलो, कहा सुनाएंगे मुकती सुन डाली। अरे सत्संग तो थोड़ा भी हो जाए, जो सुख लवो सत्संग, सत्संग तो थोड़ी देर का ही कल्याण कर देगा। कैसे कल्याण करता है? जैसे भगवान का नाम, बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलवन सोई। अगर सत्संग की ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जैसी संगत करोगे वैसा फल मिलेगा। संत भगवान का आश्रम देखा, वहां का तोता कह रहा था सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, एक वो भी तोता था, एक संत के आश्रम का भी तोता है। ये फर्क काय का है? सत्संगत का फर्क है। सत्संगत क्या करती है? जा ध्याम दियो हरत सिंचित वाच सत्यम, मानो नत पापम बपा करोती, चेत है प्रसाद यद दीक्षम तनोत कीर्तिम, सत्संगत कथा किम न करोत पुंसाम। सत्संगत जड़ बुद्धि को दूर कर देती है, जा ध्याम दियो हरत सिंचित वाच सत्यम, वाणी को पवित्र बना देती है। कौन? सत्संगत। जैसा संग करोगे वैसे ही बुद्धि बनेगी। संगत ते गुण उपजे, संगत ते गुण जाए, सब संगत का फल। इधर में सातों पोर फंसी, विमान आया, आश्चर्य हो गया, विमान तो सबको आना चाहिए, नहीं, धुंधकाली ने कथा सुनी और मनन भी किया। बोले अब हम, अब सब कथा सुनेंगे, अब सबको विमान आना चाहिए। फिर दोबारा कथा चालू हुई, उन्हें कथा हुई तो सबने मन लगा लिया, अब कि हम मन लगा के सब ही सुनेंगे तो सुनने का फल मिलता है। जैसे सुनोगे तो ये कथा तो क्या है, ये हृदय में गई, ये क्या के पीते कर्ण पुटम, ये दोना है पीने के लिए, भागवत की कथा को पीने के, कथा पी जाती है कानों के द्वारा, भोजन जल खाते पीते हैं मुख के द्वारा, इसमें छिलका गुठली नहीं है, ये तो रस है, इसमें रस ही रस है, रस भरा हुआ है भागवत की कथा। पर वो रस जब मिलेगा, जब सुनोगे प्रेम से, सच्ची मन से, सच्ची हृदय से, भगवान अपने आप हृदय में आ जाएंगे। भगवान ने कहा है, मैं कहा रहता हूं, एक राजा तीन प्रश्न करता था, कौन कौन से? जो भी आता उससे यही पूछता, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। जिस किसी से पूछे कौन, के भगवान मंदिर में रहते, राजा उनको जेल में बंद कर देता। यानी कितनों को जेल में बंद कर दिया राजा ने। परोज जी को बुलाया, परोज जी महाराज तुम बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? परोज जी बोले, भगवान का मंदिर में ही तो रहते, अब तुम तो फिर हो तो तुम जेल में तो नहीं लगाओ, पर तुम्हारा देश निकालो। प्रोज जी का देश निकाला कर दिया। प्रोज जी निकले, एक हरहारे पंडित जी हर वहां निगाह बड़ी प्रोज जी की तरफ,
तो कुछ बातें ऐसी हैं भी दावे थे दमत ना। कौन कौन सी? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहमन दावे ना दवे जाने सकल जहान। ये दबेगी नहीं बिल्कुल। दुख का चेहरा तो अलग कह देगा, खुशी का अलग कह देगा। जैसे बगिया में जानकी जी गई गिरजा पूजन करने, तो एक सखी शिव संग बिहाई गही रही देखन फुल भाई तो ते दो बंधु बिलो के उजाई और प्रेम विवश सीता पे आई तास दशा देखी सकिन पुलक गात जलने के कारण तुय हर सोयति पूछे शव मृदु मैंने। प्रसन्नता की झलक दिखाई दी सखी के तो सब पूछे तुम ये सब तुझे कहां मिल गए हो। यहाँ पंडित जी बोले फिरोज जी बात क्या है क्यों दुखी हो? बोले भैया राजा ने देश निकालो दे दिया। कहा बात के ऊपर? राजा तीन प्रश्न पूछते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। बोलो तत्सर भगवान की जय। अच्छा पंडित जी बोले तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, राजा के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, चलो मेरे साथ। पंडित जी वापिस कैसे ले आए? राजन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, तुम तो पूछो। बोले ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते कहाँ है? हमारे तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं। कैसे? के तेरा साई दुख में जो पवन में बास कष्ट न हम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय में वचे मद भक्ता यदि गायन्ति ततः तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं वहां मेरा निवास है। राजा ने कान पकड़ लिया सही उत्तर। और भगवान लेते क्या है? पंडित जी ने जवाब दिया भगवान लेते हैं अहंकार को। भगवान का नाम है गर्वहारी, अहंकार को दूर करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाय और प्रेम गलीयत साकरीत जामे दौल। यदि हृदय में अहंकार होगा तो परमात्मा का निवास उसके हृदय में बिल्कुल नहीं होगा। हुआ वही बोले ये भी शिक्षा उत्तर है। भगवान देते क्या है? पंडित जी बोले देते क्या है? तुम कौन हो ये बताओ कि तुम्हें दिख नहीं रही मैं राजा हूं। वो तो दिख रहे हो, कौन हो? कि मैं क्षत्रिय हूं, मर्यादा नहीं जानते। कि मैं ब्राह्मण नीचे खड़ा हूं, वो तुम सिंहासन पर बैठे हो, इतनी भी मर्यादा नहीं जानते। राजा ने उठकर के सिंहासन से खड़े हुए पंडित जी को सिंहासन पर बैठा दिया। आओ महाराज आप बैठो, महाराजो गलती हो गई, आप ब्राह्मण हैं सर्वोपरि। फिर पूछा क्या देते? राजा ने फिर पूछा पंडित जी से क्या देते? राजा आप भी देख रहे हो सिंहासन तो दे दिया मुझे, ये देते Oh,
तरह से पुनः जब दोबारा कथा हुई सबके लिए विमान आया तो ये श्रीमद् भागवत है इस तरह का श्रीमद् भागवतोऽयम् प्रत्यक्षम् कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्य मयानाथम् मुक्त्यर्थम् भव सागरे श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप ये भागवत की पुस्तक साक्षात भगवान का रूप है। इसमें नियम होते हैं मनोरथम जो वक्ता है उस कथा सुनने वाले परीक्षित जी पूजा करते हैं पूजा करते वक्त भगवान की प्रार्थना करें हे भगवान कृष्ण हे लड्डू गोपाल वृंदावन बिहारी लाल मनोरथम मद्वीयम हे भगवान हमारे जो मन में इच्छा है वो हमारी पूर्ति करना यहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा साक्षात निर्विघ्न कर्तव्य हो और हमारी इस काम में कोई विघ्न नहीं आवे भगवान के चरणों में मन हे भगवान हमारे इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आ इसके लिए ये चार जो पढ़ने वाले हमारे बैठे हुए हैं ये द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इनका वर्ण क्यों करते हैं ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं चारों दिशाओं से रक्षा करने वाले कथा के लिए वर्णम पंच विप्राणाम कथा भरणम निप्रति कथा में विघ्न आने के लिए पांच वर्ण एक पठन करता पंडित जी तमें हमारे यहाँ तो दो पठन करने वाले गीता का पाठ भी हो रहा है इसमें नत्ताम संपूजयम दत्ता स्वमासन मासते आसन पर बैठे कथा सुने ये नियम होना चाहिए कथा विराम कर्तव्य मध्याने घटका द्वयम दो घड़ी का विराम बीच में विराम लंच जो कहती है दो घड़ी की होती है ढाई घड़ी का एक घंटा होता है 30-40 मिनट करीब बीच में विराम क्योंकि विद्वान की विशेषताएं होती है हम इस समय गति में बैठे नीचे बोलना चाहे उन शब्दों को तो नहीं बोल पाएंगे यहाँ बैठे साक्षात भगवान ही कृपा करते हैं इस समय भगवान का साक्षात विग्रह रूप बन जाता है वही शक्ति देती है चार घंटे हो जाए पांच घंटे छह घंटे बैठे कोई दिक्कत नहीं शक्ति वही देती है बुलवाने वाले परमात्मा और बोलने वाले परमात्मा यदि किसी विद्वान ने अहंकार किया कि मैं बोल रहा हूँ मैं कथा करने वाला हूँ तो कुछ नहीं अहंकार कभी नहीं करना चाहिए दो घड़ी का विराम सिंहासन से लौटे दो घड़ी के विराम में जो आगंतुक आते उन्हें जलपान करावे धूम्रपान करावे जो भी जैसे है सेवा करते हैं सप्ताभ्याम पुंसाम निरक्षाम नारद विष्णु दीक्षाम विहीनानाम नादकारम कथा श्रवे कथा का नियम है दीक्षा कहते गुरु जरूर बनाना चाहिए बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता बगैर गुरु के दान पुण्य भी नहीं लगता है ये देखिए बताया है भागवत बगर गुरु के गुरु बिन भवन तो तरह न कोई जो बिरंच शंकर सम कोई कोई बगर गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते दो अक्षरे को और रू गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गुरु विवेक सागर जग जाना हमेशा संकीर्तन भगवान का कीर्तन पार करने वाला है इसलिए तो श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम मुक्त समनस्तम नमामि हरि परम भगवान का कीर्तन करेगा दसम स्कंद से हवन बताया है भागवत का हवन दसम स्कंद या गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र भी सर्वोपरि वेद मां गायत्री मां इन तरह से कार्य करने से पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है तत्पर
आचार्य सुजीत मुख रखदान वंदनी एवेक ते निव्यंजनम सर्व पाप निवारण ब्राह्मण ही पूजा कराते कहते हैं भगवान इनकी सब कष्टों को दूर करना सभी पापों को भस्म करना ये श्रीमद् भागवत की कथा सब कष्टों को दूर करने वाली सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सब कुछ देने वाली है पर सच्ची मन से कहते हैं चार हैं मनीराम धनीराम दयाराम और दाताराम यदि मन अपना पक्का है मन से किसी का नहीं मन तो घूमेगा ये मन ऐसा ही जहां बैठे मन घूम रहा होगा बाजार में तुरंत बन जाएगा मन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भरत जी जा रहे थे चित्रकूट में राम जी से मिलने पर कष्ट नहीं हो रहा था क्यों उनका मन राम जी के चरणों में लगा था कांटे भी लग रहे थे नंगे पांव जा रहे थे भरत जी भगवान से मिलने चित्रकूट में पर कंकड़ भी लग रहे कांटे भी लग रहे कष्ट नहीं हो रहा क्यों कि मन जय जय रघुवर वैदे भरत का मन कहां था भगवान राम और जानकी जी के चरणों में तुम्हारे खेत में गैया चल रही है गेहूं घड़े कहू ने कही भैया तुम्हारे खेत में गैया लगी गई बाद में दौड़ी देखे न्योनी देखे कांटे लग गए बाद में पानी तो कांटे लग गए पर तब तो दौड़ दी के गैया बिड़ा में जाओगे तो सब मन के ऊपर आता है। आज की कथा का विराम भी यही होगा प्रथम दिन है महात्मा की ही कथा होती कल से कथा होगी 12 से 5 बारह बजे से शुभारंभ होगी और 5 बजे तक अब हमारे संजय भैया एक भजन सुनाएंगे बोलिए मां के बिहारी लाल की जय वो तेरी बदल जाए तकदीर तेरी बदल जाए तकदीर तुरा रे 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 बो
कर्म सिद्धि चरीमे तन्नो गौरी प्रचोदया
हरे ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हरिः प्रचोदयात् हरे ओम रसवानाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरे ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात् हे वन्ते काव्यकुलचम्पटपाटलोके पुण्यांगयात् करवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणी यथा काल भवामी च पुष्पाञ्जलि मा दत्त गृहात्म परमेश्वर सुमन सुगंधी सुमन सुगंधी बहाल पुष्पाञ्जलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पाञ्जलि पुष्पम समर्पयामि नमः बोली भागवत भगवान की राधा कृष्ण भगवान की मरकंडे सरकार जगज्जननी दुर्गा मैया की महाकाल भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की नारायण वाली मैया की मित्र समाज की संत समाज की भरत सरकार की सत्य बाबा महाराज की सतगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो लाला तुम आज ही ऊपर घूमने को हमें उतार भी गए सुनिए मुझे थोड़ा सा ये घर को बस उतर ये बात सही रहें अभूल उतर आएंगे क्या भाई जब अरे वो जब जब पूजा कराई ये तीन चार बजे पे होगा ठेकेदार साहब घर भाई।